नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर द्वारा लिखी गई निबंध जिसका शीर्षक है कर्तव्य और सत्यता। इस निबंध में लेखक ने हमें अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए प्रेरित किया है। लेखक कहते हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए और बुरा कर्म भी नहीं करना चाहिए। हम सभी लोगों को हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के लिए इस पाठ का चयन किया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस निबंध को समझने की कोशिश करते हैं। कर्तव्य और सत्यता के बारे में लेखक कहते हैं कि कर्तव्य का पालन करना मनुष्य का परम धर्म है। दरअसल कर्तव्य और सत्यता के बीच अत्यंत गहरा संबंध है। कर्तव्य और सत्यता से हमें सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। यदि हम सत्यता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो हमारे चरित्र की शोभा बढ़ेगी। इसलिए हम सभी लोगों का परम धर्म है कि सत्य बोलने को सबसे श्रेष्ठ माने और कभी झूठ ना बोले। सत्य बोलने से ही समाज में हमारा सम्मान होगा। संसार में मनुष्य का जीवन कर्तव्यों से इसलिए भरा होता है क्योंकि मनुष्य को घर में पारिवारिक सदस्यों के प्रति और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है और इन कर्तव्यों के पालन से ही हमारे चरित्र की शोभा बढ़ती है। बुरे कर्मों से मन दुखी होता है और पछतावा होता है, इसलिए इन चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कुछ लोग झूठ का सहारा लेकर और चापलूसी करके धन कमाते हैं। बुराई से भरे इस मार्ग को कभी नहीं अपनाना चाहिए, हमेशा सन्मार्ग पर चलना चाहिए क्योंकि इससे ही मानसिक शांति मिलती है। आज मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति अड़चन उत्पन्न करती है और आलस भी बाधा उत्पन्न करता है। आज संसार में कई ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं और ऐसे ही झूठ बोलने वाले लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। लेखक अंत में एक उक्ति के माध्यम से कहते हैं कि सत्यम वद धर्मम चर, यानी सत्य बोलने से ही धर्म की रक्षा होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।